आज रिवीजन करते हैं साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की। इसका सेक्शन है 145। साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ जाता है। ये 2 पॉइंट्स तो हमने पहले भी शायद पढ़ रखे हैं। इफ एन इंडिविजुअल इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर, तो भैया वही साइन करेगा, देन ऑडिट रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय सच इंडिविजुअल ओनली। वीडियो बना रखी है इसके ऊपर। अगर पार्टनरशिप अपॉइंट होती है एज ऑडिटर ऑफ कंपनी, देन ऑडिट रिपोर्ट शैल बी साइन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 141(2). याद है सेक्शन 141(2) कौन सा था? अभी याद दिलवाऊंगा। ऑफ द एक्ट दैट इज बाय सी ए पार्टनर ओनली ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सी ए पार्टनर ही साइन कर सकता है। अगर ये थर्ड पॉइंट है, ये अगर लर्न अभी ना हो तो भी चलेगा, बाद में बहुत रिपीट होगा 700 की सीरीज में। 700 की सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ दिस ऑडिटिंग सिलेबस। इफ देयर इज एनी मॉडिफाइड कमेंट बाय ऑडिटर, पहली बात मॉडिफाइड कमेंट क्या होता है तो न्यू स्टूडेंट सुन ले, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड दो तरह की कमेंट्स होती है। मॉडिफाइड मतलब किसी गलत चीज पे कमेंट करना, अनमॉडिफाइड कमेंट मतलब क्लीन रिपोर्ट देना, अच्छी रिपोर्ट देना। इसको मैं बाद में अच्छी तरह हम एक्सप्लेन समझेंगे। अभी समझ लें कि कोई भी अगर मॉडिफाइड कमेंट ऑडिटर को देनी होती है इन हिज रिपोर्ट, देन ऑडिट रिपोर्ट विल बी रीड आउट बिफोर मेंबर्स इन AGM। ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने लिखा था ऐसे ही, ABCDE एक फर्म है, 5 पार्टनर है, 5 पार्टनर की अगर सीलिंग लिमिट इंडिविजुअल की देखे तो 100 ऑडिट ये फर्म संभाल सकती है। ठीक है, सीलिंग लिमिट याद आई, सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन में पड़ी थी। फिर है जो ए है वो साइन कर सकता है 100 ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भाई पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, हम यही तो बोलते हैं कि कोई भी पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म कर सकता है। एक मिनट, सॉरी गाइस। तो कोई भी पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म तुम्हारा ये कर सकता है, साइन कर सकता है। तो ए कैन साइन 100 ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सीलिंग लिमिट तो 20 है सबकी, इंटू 5 हुआ, 5 पार्टनर थे, तो ए साइन कर सकता है 100। लेकिन अगर ए अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे 5 भी कर रहा है ना, तो अब फर्म की कैपेसिटी पे बस 95 ही करेगा। समझ आई? पेपर के लिए इरेलीवेंट था, लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ आई तो कोई बात नहीं, कोई इतना रेलिवेंट नहीं था। आगे बात कर रहा है, एक नोट लिखवा रहा हूँ, SA700 अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं SA700 दोबारा कभी नहीं पढ़ाऊंगा। कभी रिवीजन वीडियो बनाऊंगा तो बना दूंगा, लेकिन अभी सिलेबस के साथ ही पढ़ा रहा हूँ। सारे ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे पहले 200 की सीरीज होगी फिर 300, 400, 500, सब कनेक्टेड है। अभी कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ में SA700 की डिस्कशन हो गई तो हो गई। पहला पॉइंट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA700 वाइल साइनिंग ऑन ऑडिटिंग रिपोर्ट, मेंबरशिप नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर विल ऑल्सो बी मेंशन, एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज ऑडिटर फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर विल ऑल्सो बी मेंशन। मतलब क्या है भाई, SA700 कहता है जब तुम ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो तो अपना मेंबरशिप नंबर भी वहां प्रोवाइड कर देना है, बस इतनी छोटी सी बात ही कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ SA700 ऑडिटर शैल मेंशन द डेट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। जब तुम ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हो, ऑडिट रिपोर्ट जब हम देते हैं ना अपनी मॉडिफाइड क्लीन रिपोर्ट ये सब, तो अपना डेट बता देना। ठीक है, डेट बता देंगे। इट इज द डेट व्हेन ऑडिट रिपोर्ट इज साइन बाय द ऑडिटर। वो कौन सी डेट होगी जब साइन हुआ है ऑडिटर का, जैसे डालती नहीं है टीचर कॉपी चेक करते हुए डालती थी चेक चेक साइन, तो वो वाली। ठीक है, साइन करते वक्त डेट जो है, डेट ऑन ऑडिट रिपोर्ट कैन बी नेवर बी अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कई बच्चे ना घबरा जाते हैं इसमें, अरे अच्छा, जो ऑडिटर रिपोर्ट की जो डेट है ना जब वो साइन करता है, वो कभी भी नेवर बी अर्लियर देन अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले की, मतलब जो अप्रूव होता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए। इसमें समझ नहीं आता। अच्छा, किसी कंपनी में क्या होता है, जैसे 1/4/2016 को काम करना शुरू हुआ, ये AGM जो हो रही है तो पुरानी AGM है, पिछले फाइनेंशियल ईयर की AGM है। फिर काम खत्म हुआ 31/3 को, बैलेंस शीट बनी, बैलेंस शीट भी हमारी April 10 तक बनती है, 10-15 तारीख तक। फिर उसके बाद तुमने अपनी मतलब अप्रूवल करी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसके बाद हमारे वो जो रिपोर्ट होती है ऑडिटर रिपोर्ट वो आती है। इसको अभी फॉलो मत करें, मैं बाद में अच्छी तरह बताऊंगा इन चीजों को, भाई इनके ऊपर हम पूरा टाइम लगाएंगे और स्पेसिफिकली डिस्कस होंगी ये चीजें।
ठीक है, इसको भी छोड़ दें। फोर्थ पॉइंट है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ SA700 ऑडिटर शेल मेंशन एड्रेसी इन हिज रिपोर्ट, इन केस ऑफ कंपनी ऑडिटर शेल एड्रेसेस हिज रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी, बट ऑडिटर इज नॉट पर्सनली लाइबल टू प्रोवाइड ऑडिट रिपोर्ट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। समझ आई? द ऑडिटर शेल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड नाउ इट इज अ ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट टू सर्कुलेट द ऑडिट रिपोर्ट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सीधी सी बात है, अरे ऑडिटर थोड़ा ना देने जाएगा भाई, मेंबर कितने होते हैं कंपनी के तुम्हें पता है भाई, लाखों करोड़ों बैठे हैं, सबको थोड़ी ना देखने जाएगा भाई, ये लो ऑडिट रिपोर्ट, ये लो ऑडिट रिपोर्ट। भाई मैनेजमेंट को दे दिया, मैनेजमेंट की ड्यूटी है बांटे सबको। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA700 ऑडिटर शैल मेंशन प्लेस इन हिज रिपोर्ट। अच्छा, मतलब वो जो प्लेस है ना जिसपे वो साइन कर रहा है उसको भी बनाएगा। अभी तेरे घटिया क्वेश्चन पता है क्या होता है बच्चों का, सर ऑडिटर ना एरोप्लेन में जा रहा था दिल्ली से मुंबई, बीच में अब वो कैसे, क्या एयर होस्टेस से पूछेगा मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा हूँ प्लीज बता दे नीचे कौन सी स्टेट है, मेरे को अपना प्लेस डालना है? नो, वो अपना ऑफिस में ये सब काम करता है और उधर की प्लेस डालता है। पर ये भी फिर भी फालतू क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ भाई फिर कैसे डालेंगे, कोई बात नहीं सोच लेना, जहाँ से टेक ऑफ किया या जहाँ लैंडिंग करी वो उसकी मर्जी है, जो जो प्लेस डाले वो। कंपनी ए लिमिटेड, एक कंपनी ए लिमिटेड है, उसने ऑडिटर बुलाया मिस्टर एक्स को जो CA प्लस मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड कर रहा है। एक्स हैज कंप्लीटेड ऑल ऑडिट प्रोसीडर एंड ही इज कंक्लूडेड एन ओपिनियन, बट बिफोर एक्सप्रेसिंग ही ओपिनियन, एक मिनट इसका आंसर छुपा लूं मैं, हाँ क्या हुआ, बट बिफोर मतलब उसने क्या हुआ, जब वो दे रहा था उससे पहले उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। अब एक्स ने क्या किया, वाई को बुलाया जो भी वो भी CA प्लस COP था, उसने बोला उसको यार सुन टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, तू साइन कर दे ऑन बिहाफ ऑफ मी, एंड वाई ने साइन कर दिया। और वाई एक पार्टनर था एक्स का इन फर्म एक्स एंड वाई, क्या कमेंट करें? पता है बच्चों का यहाँ पर सेंटिमेंटल आंसर वो क्या होता है भाई, वैलिड है, क्यों, रोड एक्सीडेंट हो गया था, अब रोड एक्सीडेंट में बेचारा साइन तो कर नहीं सकता था एक्स, तो वाई कर देता है। जीनियर्स बच्चे, जो एक्स्ट्रा जीनियर्स बच्चे बनते हैं ना, उनका आंसर सुनिए, अरे 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 सही तो है वाई। अब हमने सेक्शन 141 नहीं कौन सा सबसेक्शन, कौन सा सेक्शन था वो, 141 सबसेक्शन 2, उसमें पढ़ा था कि हाँ कि कोई भी पार्टनर साइन कर सकता है, तो सही तो है, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई कंपनी में भी है, और जो मतलब फिर तो वाई साइन कर सकता है। नहीं, आंसर गलत है भाई, कंपनी ने अपॉइंट किसको किया था, मिस्टर एक्स को किया था, एक्स एंड वाई कंपनी को थोड़ी ना किया था, एक्स को किया था, तो एक्स का फर्ज बनता है, तो साइनिंग ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट बाय मिस्टर वाई इज इनवैलिड। नाउ क्वेश्चन नंबर टू में पता क्या है, क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है सेम केस है, लेकिन है ना साइन वाई ने कर दिया और एक्स ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। अब बच्चों को लगता है पावर ऑफ अटॉर्नी, माय गॉड कितना बड़ा वर्ड है पावर ऑफ अटॉर्नी, अरे यही तो सब कुछ होती है, अब तो पक्का वाई का चल जाएगा। नहीं, यहां भी वाई का नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि भाई पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी तो भी नहीं चलेगा, साइन तो उसी करना पड़ेगा, रूल है, ठीक है। दो नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो लिख देना ये आंसर इनवैलिड है, और अपने रीजंस में लिख देना वो कौन सा सेक्शन लिखोगे, सेक्शन नंबर 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसके आगे है केस 3, व्हाट विल बी आंसर इन अबव केस 1 एंड इफ एक्स वाई, अरे मैं हिंदी में बता देता हूँ, अगर यही केस है लेकिन एक्स वाई एंड कंपनी को लिया था, और एक्स वाई और कंपनी में एक्स को एक्स की मतलब एक्स का एक्सीडेंट हो गया और वाई ने साइन कर दिए, तो चलेगा? आंसर है चलेगा, क्यों चलेगा, तो रीजन इसमें जो लिखोगे ना वो होगा सेक्शन 141(2) का, सेक्शन 141(2), हाँ पढ़ाया तो था, बहुत बार रिपीट भी हो रहा है, चलो मैं बता ही देता हूँ। इफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर देन ओनली CA पार्टनर शैल एक्ट एज ऑडिटर एंड साइन द ऑडिट रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यस, अब आपको लगेगा मास्टर को इतनी अच्छी तरह कैसे याद हो जाता है, क्योंकि मास्टर बार बार पढ़ता रहता है, तुम्हें पढ़ाता रहता है और बार बार लिखता रहता है और लिखवाता रहता है, याद होता रहता है और अच्छी तरह भी याद हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं केस 4 की तरफ, केस 4 में है कंपनी ए लिमिटेड, ऑडिटर एक्स वाई एंड कंपनी, दो पार्टनर हैं,
क्या, और मिस्टर डब्ल्यू जो है वो उनका एम्प्लॉय है एक्स वाई एन कंपनी का, क्या अगर डब्ल्यू ने साइन कर दिया तो चलेगा? एम्प्लॉय तो है तो क्या हो गया, चलेगा? आंसर है इनवैलिड। हमें पता है रीजन, 141(2) भी यहाँ लिख सकते हैं और अपना ये 145 भी लिख सकते हैं, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। भैया वही करे, पहली बात यहाँ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ही लिख देना कि पार्टनरशिप फर्म है, उसका सेकंड वाला पॉइंट जो मैंने करवाया था, सेकंड वाला पॉइंट कि पार्टनरशिप फर्म है, कौन करेगा अकॉर्डिंग टू 141(2), कौन करेगा? सीए पार्टनर करेगा, और सीए पार्टनर करेगा जो पार्टनरशिप फर्म का है, ठीक है, कोई भी सीए पार्टनर कर सकता है जी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सेक्शंस पेपर में लिखने की कोशिश करें। और एक चीज और मैं पेपर के लिए बता दूं, थ्योरी है, ITSMO ऑडिटो लिख लिख कर प्रैक्टिस करें इस चीज की, और जितना ज्यादा लिख सकें, मैं बताऊं एटलीस्ट 8 to 9 times तुम्हारी रिविजन्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 to 5 times तुमने हैंड रिटन लिखा होना चाहिए, तब जाके तुम्हें पेपर में याद आती हैं बातें। अगर तुम्हें लग रहा है ना यार मास्टर तो फेंक रहे हैं, हमारी कैपेसिटी ज्यादा है, हम तो 2-3 बार पढ़े ना हो जाता है यार, एक बार अटेम्प्ट में बैठ के देखना पता चल जाएगा। या फिर है ना, या फिर ऐसा करना, ऐसा करना, छोटे छोटे अटेम्प्ट का प्रैक्टिस नहीं करना, ICI के मॉक टेस्ट होते हैं, डेट्स पता लगाओ कब होते हैं, कम से कम मेरे हिसाब से तो 2 या 3 तो मॉक टेस्ट होते ही हैं हर अटेम्प्ट के, उनको देना सीखो, उनसे तुम्हारी हैबिट थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।